के दौरान असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिक्रिया दी। इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया और राम लहर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर सीएम हेमंत बिस्वा सरमा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि जब भी वो लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि राज्य में बड़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ बताए। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं, जिनमें युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि अगले 1-1.5 महीने में इन्हीं मुद्दों पर यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी। कांग्रेस नेता ने असम सीएम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो जो यात्रा का विरोध कर रहे हैं, इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें नहीं मिलती, वो असम के सीएम और उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि मंदिर में जाने से रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना या पदयात्रा रोकना, ये तो इनकी डराने की प्रैक्टिस है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। न्याय यात्रा गांव-गांव तक जा रही है। लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को रोका क्यों जा रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि विपक्ष की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और पार्टनर पार्टी है वो लड़ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब वे यात्रा में बाधा डालती है, यानी कि बीजेपी, तो इससे वो यात्रा की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यात्रा को रोका जाए, हमें कॉलेज में जाने से रोके। कॉलेज में जाने से रोका तो पूरा कॉलेज बाहर आ गया, सभी स्टूडेंट्स ने हमें सुना और देश ने सुना। जो भी इस यात्रा में आना चाहता है आ सकता है। इंडिया पार्टनर्स को भी बुलाया गया है और सबको आमंत्रित किया गया है। अगर वे आते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को राहुल गांधी ने बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया, जिसमें मोदी जी ने पूरा फंक्शन किया। एक सवाल के जवाब में कि राम जी की लहर का मुकाबला करने के लिए क्या करेंगे राहुल गांधी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई लहर है ही नहीं, हमारे 5 न्याय का प्लान है और ये देश को मजबूत बनाने का प्लान है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और RSS है और एक तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। राहुल गांधी ने बताया कि हिंसा में पार्टी के एक नेता घायल हो गए, उन्होंने पार्टी नेता का बैंडेज वाला हाथ भी बताया।